श्री महाभारत खिल्ल भागे सप्तत्रिंशोध्याय में वभ्रुवंश का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सत्वान उपनाम वाले सत्वत से कुशल्या ने भजिन भजमान दिव्य राजा देव अवृत माँ बाहु अंधक और यदुनंदन विरिष्णी नामक सत्व संपन्न पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके चार वंश चले, उनको आप विस्तार पूर्वक सुनिए। भजमान के संजय की पुत्री बाह्य का और उपबाह्य का नाम वाली दो स्त्रियां थी, उनसे उनके बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। भजमान के संजय की पुत्री बाह्यका से कृमि क्रमण धृष्ट शूर और पुरंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं भजमान के सृंजय की दूसरी पुत्री उपवाहका से अयुतजित सहस्त्रजित शताजित और दाशक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। यज्ञ करने वाले राजा देव अवृत ने मेरे सर्वगुण संपन्न पुत्र हों इस निश्चय के साथ बड़ा भारी तप किया। वे राजा अपने चित्त में ऐसा निश्चय करके परनाशा नदी के जल में खड़े होकर के तप करते थे। अपने जल में सदा खड़े रहने वाले राजा का नदी ने प्रिय करना चाहा। उसको कोई ऐसी कोई स्त्री नहीं दिखी जिसके द्वारा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सके। तब चिंता से व्याप्त होकर के नदियों में श्रेष्ठ परनाशा ने उस राजा का कल्याण करने के लिए एकांत में यह विचार किया कि मैं ही इनकी सहचारिणी बन जाऊं। तंत्र उसने कुमारी बन करके श्रेष्ठ रूप धारण करके राजा को वरण चाहा और राजा ने भी उसको पत्नी बनाना चाहा। तंत्र उन महाबुद्धिमान राजा ने उनमें तेजस्वी गर्भ को स्थापित किया। तब उस नदियों में श्रेष्ठ परनाशा ने राजा देव अवृत के तेज से दसवें महीने में सर्वगुण संपन्न व भ्रू नामक पुत्र उत्पन्न किया। सुना कि इस वंश के प्राचीन इतिहास को जानने वाले लोग महात्मा देव अवृत के गुणों का इस प्रकार कीर्तन करते थे। महात्मा देव अवृत को हम जैसे दूर देश में देखते थे वैसे ही उनको समीप में देखते थे, अर्थात उनको योग बल से अनेक रूप धारण कर सर्वत्र एक रूप में विराजमान देखते थे। वभ्रु मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देव अवधृत देवता के समान हैं। 7066 पुरुषों सहित वभ्रु और देव अरित अमृतत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात संग्राम भूमि में अपने प्राणों को त्याग करके ब्रह्म लोक में पहुंच के राजा वभ्रु दानियों में श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले विद्वान और ब्राह्मण भक्त थे। उनके आयुध बड़े दृढ़ थे। वे कीर्तिमान महातेजस्वी तथा सात्वत वंशियों में परम श्रेष्ठ थे। उन वभ्रु का वंश बहुत बड़ा है। मातकावत भोज उनके ही संतानों में है। अंधक से काशीराज की पुत्री के द्वारा कुकर भजमान शमी और कंबल बहिर्ष नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए। कुकर के पुत्र धिष्णु और धिष्णु के पुत्र कपोतरोग माँ हुए तथा उनके पुत्र तैत्रीय हुए। तैत्री के पुत्र पुनर्वसु हुए। पुनर्वसु के पुत्र अभिजित हुए। उन अभिजित के एक पुत्र और एक पुत्री, ये दो जुड़ी संतानें हुई। ऐसी बात सुनी जाती है, ख्याति प्राप्त लोगों में श्रेष्ठ वे दोनों आहुक और आहुकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन आहुक के संबंध में मनुष्य इस गाथा को गाया करते हैं। वह तरुण घोड़े के समान उत्साही राजा जब अपने विशुद्ध परिवार के साथ चलते थे तब उनके काठ के बने राज सिंहासन को 80 मनुष्य उठाया करते थे। उन भोज के साथ उन्हें घेर करके चलने वाले लोगों में ऐसा कोई नहीं था जो पुत्रहीन हो अथवा सैकड़ों की दक्षिणा देने वाला ना हो अथवा सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों की आयु वाला ना हो या अशुद्ध कर्म करने वाला हो तथा यज्ञ करने वाला ना हो। पूर्व दिशा में राजा भोज
का अभिनंदन करने के लिए चांदी और सोने की सांकलों से बांधे जाने वाले 10,000 हाथी आते थे तथा उपासंग अर्थात जुआ, अनुकर्ष अर्थात रथ के नीचे का काष्ठ और वरुथ अर्थात रथ त्राण कवच वाले एम मेघों की भांति घोष करने वाले ध्वजधारी 10,000 रथ उनका स्वागत करने के लिए आते थे। उतने ही 1,000 रथ और हाथी उत्तर तथा अन्य दिशाओं में भी राजा आहु का अभिनंदन करने के लिए आते थे। भोजवंशी यादव सब सामंतों को वश में करके आहु की उपासना करते थे। राजा आहु ने उन सबके रथ सोने की घंटियां घुंघरों वाले बनवा दिए। अंधक वंशियों ने आहुक की बहन आपकी को अवंती के राजवंश में ब्याह दी। आहुक के काशी राज की पुत्री से देव कुमारों के समान सुंदर देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। देवक के देव कुमारों जैसे देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित नाम के 4 पुत्र हुए। उनके देव की शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी तथा सातवीं सुनासी इस प्रकार 7 पुत्रियां थी। देवक ने उन सब का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: निग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुभूमिक, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनाधृष्टि और पुष्टिमान। इनके कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली और कंका नाम की 5 सुंदराग्नी बहनें थीं। इस प्रकार कुकर वंश में उत्पन्न हुए उग्रसेन और उनकी संतान का वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस अमित तेजस्वी कुकरों के वंश का वर्णन सुनता है वह संतान पाता है तथा उसके वंश की बड़ी वृद्धि होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वह भ्रुवंश वर्णन विषयक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ।